वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एक मकतूब तहरीर करते हुए ऑल इंडिया सर्विस में तरमीम की तजवीज़ की सख्ती से मुखालिफत की और इसे मुल्क के विफाकी ढांचे और दस्तूर के जज्बे के मुनाफी करार दिया। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि ऑल इंडिया सर्विस कैडर रूल्स में तरमीम के जरिए मरकजी हुकूमत IAS IPS और IFS ओहदेदारों को मुतालका रियासत या उन ओहदेदारों की रजामंदी के बगैर उनकी खिदमात हासिल कर सकती है। ये तजवीज़ इंतहाई ख़तरनाक है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत में इन ओहदेदारों का डिप्टेशन रियासतों की रजामंदी से होता है। इस तजवीज़ के जरिए ऑल इंडिया सर्विस के ओहदेदार रास्त मरकज की मर्जी वो मंशा पर मुनहसर हो जाएंगे। तरमीम की ये तजवीज़ एक तरफा और दफ्तरियत के ढांचे को मुतासर करने का मौजब बनेगी। ये ओहदेदार रास्त तौर पर मरकजी हुकूमत के कंट्रोल में आ जाएंगे, जिससे रियासतों की कारकर्दगी और जवाबदही का अमल बिगड़ जाएगा। ये अमल रियासतों के मफादात के खिलाफ होगा। चंद्रशेखर राव ने दस्तूर की दफा 368(2) का हवाला दिया और कहा कि मुल्क का दस्तूर बनाने वालों ने रियासतों के मफादात को भी मलहूस रखा है। अगर इन रूल्स को बदला जाता है तो ये मरकज रियासतों के ताल्लुकात के लिए भी मुनासिब नहीं होगा। इसलिए वो मुतालबा करते हैं कि मरकजी हुकूमत ऑल इंडिया सर्विस रूल्स में तरमीम के इरादे से बाज आ जाए और दस्तूर के मुताबिक विफाकी निज़ाम के मफाद का तहफ्फुज़ करे।